डेली ओपन करते हैं, एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इसमें तो जा सकते हैं ना, उनसे बोल रहे हैं इसमें स्कूल में तो जा सकते हैं ना। अभी अपन स्थल में बात करते हैं, स्थल में अपन टीचर्स को सैलरी दे रहे थे। टीचर्स तो जब आप सैलरी देते हैं, आप पेरोल वाउचर सैलरी देते हैं जिसमें अपन लीव एब्सेंट का अमाउंट माइनस कर देते हैं। तो पेरोल वाउचर एक्टिवेट करने के लिए पहले आप एफ एल एम प्रेस करते हैं, फिर आप अकाउंटिंग फीचर से जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मेंटेन पेरोल, आप इस ऑप्शन को यहाँ पर यस कर देते हैं और एंटर करके आप उसको यहाँ पर सेव कर देंगे। अब आप ऐसे से बेच जाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको पेरोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप इसमें क्रिएट करते हैं पेरोल इन्फो पे जाके पेहेड, पेहेड आप बनाते हैं सैलरी लीव एब्सेंट लेट नट इन सब का। पहले अपन बनाते हैं यहाँ पे सैलरी पे, एंटर कर देंगे फिर एंटर। सैलरी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है तो पेहेड टाइप में आ जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एंटर कर देंगे। अंडर में आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि अपन स्थल में वर्क कर रहे हैं टीचर को सैलरी देना जरूरी है। एंटर कर देंगे, इससे पेट नेट सैलरी भी पड़ेगा, इसे आप यस कर देंगे और कैलकुलेट आप करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करके सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट आप में आप बना लेते हैं लीव का, लीव का आप पेड टाइप में डाल देते हैं डायरेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, अंडर में आ जाएगा करेंट लाइबिलिटी क्योंकि लीव का अमाउंट एम्प्लॉय का माइनस हो जाता है। फिर एंटर करेंगे, इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। थर्ड आप बनाते हैं यहाँ पे एब्सेंट लीव एब्सेंट लेट नट इन सब का सेम बनता है क्योंकि इन सब में एम्प्लॉय का अमाउंट माइनस हो जाता है। पेड टाइप में आ जाएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, अंडर में आ जाएगा करेंट लाइबिलिटीज, इसको भी आप कैलकुलेट किस पे करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करके सेव। और एक आप यहाँ पे बना लेते हैं लेट नट, इसको भी आप पेड टाइप में यहाँ डाल देते हैं डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय क्योंकि लीव एब्सेंट की तरह लेट नट का अमाउंट भी माइनस हो जाता है। अंडर में आ जाएगा करेंट लाइबिलिटी, इसको भी आप कैलकुलेट किस पे करते हैं एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब आप एक्सेप से बेच जाते हैं, अब आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय का ग्रुप। अपन एक्सेल में बात कर रहे हैं एक ग्रुप बना लेते हैं टीचर, अंडर में आप इसको डाल देंगे प्राइमरी में, एज बना लेते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, अंडर में आप इसको भी डाल देंगे प्राइमरी, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर आप एक्सेप से बेच जाएंगे, अब आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय, क्रिएट करेंगे यहाँ पे आप लिखते हैं एम्प्लॉय का नाम, जैसे आपने यहाँ पे लिखा टीचर लिखा, एंटर करेंगे, अंडर में इनका ग्रुप क्या हो जाएगा टीचर। यहाँ पे आप डाल देंगे इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट में इन्होंने ज्वाइन किया है, एम्प्लॉय नंबर डाल देंगे, डेजिग्नेशन में आ जाएगा इनका पद, क्या पद है इनका टीचर, तो यहाँ पे आप डाल देंगे टीचर, एंटर करते हैं। फंक्शन में आप डाल देंगे किस सब्जेक्ट की टीचर है, यहाँ पे आप डाल देना इनका सब्जेक्ट, एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे आप डाल देंगे लोकेशन, अभी अपन डाल देते हैं यहाँ पे स्टाफ, फिर बाकी आप यहाँ पे पूरी जनरल इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, एंटर करना। फिर यहाँ पे आप डालते हैं पेमेंट डिटेल, यहाँ पे जो बैंक की इन्फॉर्मेशन आती है वो एम्प्लॉय की आती है, एंटर करके आप इसे सेव कर देंगे, बना नहीं है तो। अब अपन एस्केप से बेच चलते, अब आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, एंट्री आप करते हैं पेरोल वाउचर, सॉफ्टवेयर की होती है बाय, आप इन्हें केस दे रहे हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे केस, जैसे ही एंटर करेंगे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखा टीचर लिखा, आप इन्हें सैलरी दे रहे हैं, इनकी सैलरी कितनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे माना इनकी सैलरी है 8,000,
एंटर करेंगे। अब आपको इनकम, लीव एब्सेंट और लेट नेट का अमाउंट माइनस करना। अभी आप लीव और एब्सेंट का यहाँ पे निकाल लेंगे, लेट नेट का निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। और ये तो होगी एक एम्प्लॉय को, जब आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉय को सैलरी देंगे तो सब एम्प्लॉय का आप अमाउंट माइनस करेंगे। इसके लिए उसकी कैलकुलेशन आप एक्सेल में कर लेते हैं, ऐसे मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे आप एक्सेल ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आप ये सैलरी लिस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप लिखते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर एम्प्लॉय का नाम, और यहाँ पे आप डाल देते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वो रहती है जो एम्प्लॉय की पहले से डिसाइडेड होती है किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलना है। फिर यहाँ पे आप उनकी प्रेजेंट ला देते हैं पर डे के हिसाब से। अदर एम्प्लॉय आए हैं तो प्रेजेंट लाने के लिए आप बन लेते हैं। अभी अपन यहाँ बन लेते हैं, इसको पूरा में ड्रैग कर देते हैं, लेकिन जब आप वहीं वर्क करते हैं वहाँ पर डे के हिसाब से टाइप कर देते हैं। ये एम्प्लॉय आए हैं तो प्रेजेंट लाने के लिए बन लिखते हैं। अगर एम्प्लॉय ने लीव ली और आपसे यहाँ रूल है लीव लेने पे एक दिन की सैलरी माइनस हो जाती है, तो वहाँ पे आप लिख देंगे एल। जिस दिन जिस एम्प्लॉय ने लीव ली है वहाँ पे आप एल टाइप कर देना, उस दिन उनकी लीव लग जाएगी। और अदर एम्प्लॉय, क्योंकि आप सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको ये निकालना एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट है, इसीलिए अपन यहाँ पे टोटल प्रेजेंट निकालने के लिए जब आप प्रेजेंट फिल करते हैं तो यहाँ पे आप वन लिख देते हैं, जिससे टोटल प्रेजेंट निकल के आ जाएगी। आप सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉय प्रेजेंट है तो वन लिखते हैं। लीव लिए और लीव लेने पे एक दिन की सैलरी माइनस हो जाती है एल, और एबसेंट होने पर दो दिन की सैलरी माइनस होती है, तो वहाँ पर आप लिख देंगे माइनस वन। एक दिन की माइनस होती है तो फिर जैसे अभी अपन लीव में एक दिन की माइनस कर रहे हैं एल लिख दिया। अब लीव का अमाउंट कम माइनस होता है एबसेंट से ज़्यादा माइनस होता है, अगर लीव में एक दिन का हो रहा है तो एबसेंट में दो दिन का हो जाता है, और अगर एबसेंट और अगर लीव में दो दिन का हो रहा है एबसेंट में तीन दिन का हो रहा है, तब आप लीव लेने पे लिखेंगे माइनस वन और एबसेंट पे लिख देंगे माइनस टू। क्या बोल दिया हमने, आधे दिन की सैलरी कभी माइनस नहीं होती, क्योंकि नहीं होती क्योंकि एम्प्लॉय जिस दिन नहीं आए उसे उस दिन दिन भर की ही सैलरी नहीं मिलती। ऐसा टाइम पे रूल नहीं है कि हाफ टाइम की सैलरी मिल जाए हाफ टाइम की ना मिले, ऐसा जरूर आप बोल सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय ने हाफ टाइम की लीव ली है हाफ टाइम एम्प्लॉय आया है तब जरूर उनकी हाफ टाइम की सैलरी माइनस हो जाएगी, लेकिन अगर एम्प्लॉय दिन भर नहीं आया तो उन्हें की लीव ही लगेगी और दिन भर की सैलरी उन्हें नहीं मिलेगी, तब तो एक दिन की माइनस हो जाएगी। और अगर एम्प्लॉय हाफ टाइम आया है हाफ टाइम नहीं आया तब आप यहाँ पे तो उनकी प्रेजेंट लाने के लिए मनी लिख देते हैं, फिर जब आप लेट मिनट का अमाउंट निकालते हैं ना तो वहाँ पे आप लिख देते हैं कितने मिनट एम्प्लॉय वहाँ पे प्रेजेंट था और कितने मिनट नहीं था, तो वो आप लेट मिनट में डाल देना। जैसे एम्प्लॉय को आना था मान लेते हैं दो घंटे, ठीक है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, दो घंटे में हो जाएंगे 120। एम्प्लॉय एक घंटे आया एक घंटे नहीं आया 60 मिनट प्रेजेंट है 60 मिनट की सैलरी माइनस कर दें। अब आप यहाँ पे एब्सेंट के लिए लिख देना माइनस वन। क्योंकि ये रूल में नहीं है ना किसी एम्प्लॉय को हाफ, आप ही बताइए आपके अंडर में अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है और वो दिन भर वर्क करने के लिए नहीं है, मतलब उसने आपसे दिन भर की छुट्टी ली हुई तब भी क्या आप उन्हें हाफ टाइम की सैलरी देंगी, नहीं देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय नहीं आया तो आप उनकी दिन भर की सैलरी माइनस करेंगे ना, तो बात तो वही। और अगर एम्प्लॉय हाफ टाइम आ गया हाफ टाइम नहीं आया तो जितने मिनट नहीं है वो लेट मिनट में काउंट हो जाए, क्योंकि एम्प्लॉय आया तो है ना, आया है तो प्रेजेंट, नहीं आता तो लीव लगती, और मतलब एब्सेंट होता तो एब्सेंट लग जाती फिर उसका, आधा दिन नहीं आया तो जितने मिनट वो नहीं आया, मतलब जैसे अभी हमने बताया अगर एम्प्लॉय का टाइम 2 घंटे है जिसमें से वो 1 घंटे आ गया, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, 60 मिनट आया है तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, और 60 मिनट लेट है तो जब आप लेट मिनट वाली सीट बनाएंगे तो वहाँ पे आप लिख देना 60 कि मतलब वो 60 मिनट लेट था, मतलब 60 मिनट उसके लेट मिनट में काउंट हो जाएंगे, जितने टाइम नहीं है वो लेट मिनट से सैलरी माइनस हो जाती है।